सामर्थ्य का टर्म है। कल सबने क्या किए थे? कठिन शब्द किए थे। उसी के नीचे जहां पर आपके कठिन शब्द खत्म हुए हैं, अगर दूसरे पेज में खत्म हुए हैं तो उसी के नीचे से करेंगे, और नहीं तो नए पेज से शुरू करेंगे। आज की तिथि डालेंगे और फिर डालेंगे शब्द अर्थ। एक नीली रेखा शब्द के नीचे, एक नीली रेखा अर्थ के नीचे। कॉपी को दो बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे और फिर हम शब्द अर्थ लिखना शुरू करेंगे। हमारा पहला शब्द है कृपा। बच्चों पहला शब्द है कृपा। कृपा का मतलब होता है दया। कृपा दया। नंबर दो सहायता। नंबर दो सहायता। हर बार लिखते समय दो दो लाइन छोड़ेंगे। सहायता मदद। सहायता मदद। बादशाह ने मदद करने के लिए कहा था ना ब्राह्मण की। नंबर तीन निर्णय। नंबर तीन निर्णय। बादशाह ने क्या फैसला लिया? तो निर्णय का मतलब फैसला। निर्णय फैसला। नंबर चार स्वयं। नंबर चार स्वयं। राजा स्वयं देखने गया, मतलब खुद देखने गया। स्वयं खुद। नंबर पांच राशि। राशि मतलब धन। राशि मतलब पैसा धन। नंबर छह पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार को इनाम भी कहते हैं। पुरस्कार इनाम। कृपा दया सहायता मदद निर्णय फैसला स्वयं खुद राशि धन पुरस्कार इनाम। नंबर सात बुद्धिमानी। नंबर सात बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का मतलब समझदारी। बुद्धिमानी का मतलब समझदारी। फिर आप दो लाइन छोड़कर नीली रेखा खींचेंगे और फिर एक लाइन छोड़कर प्रश्न करेंगे। बच्चों आज मैं एक प्रश्न आपको कराऊंगी, ठीक है? काम बहुत साफ होना चाहिए, बिल्कुल धीमे धीमे होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। जब आप टेस्ट कर लेंगे उसके बाद आराम से काम साफ साफ करेंगे। पहला प्रश्न है बादशाह के दरबार में सहायता मांगने कौन आया था? बच्चों पहले आपको क्या ढूंढना होता है कि प्रश्न में कौन सा शब्द है जो उसे प्रश्न बना रहा है, है ना? तो ये कौन, कौन क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। दिख रहा है ना आपको कौन? तो आपको उत्तर इसी कौन को हटाकर आपको उत्तर लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न आपका वही रहेगा। देखिए आप स्वयं देख सकते हैं। उत्तर बादशाह के दरबार में सहायता मांगने। अब देखिए कौन की जगह हम उत्तर लिखेंगे, कौन आया था? जल्दी बताइए, आपने पाठ पढ़ा है ना, एक गरीब ब्राह्मण। तो आपने कौन की जगह क्या लिखा? एक गरीब ब्राह्मण। और फिर आपने फिर ये कॉपी कर दिया, फिर इसी को उतार दिया, आया था। तो कौन आया था बादशाह के दरबार में सहायता मांगने? एक गरीब ब्राह्मण। जब प्रश्न और उत्तर पूरा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रश्न और उत्तर पूरा हो जाएगा तो दो लाइन छोड़कर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब इसके आगे के प्रश्न और उत्तर हम अगली वीडियो में बनाएंगे आपको और तब भेजेंगे।